नमस्कार मेरे प्रियजनों, मेरे भारतवासियों। आज एक बहुत बढ़िया मेहमान और जिन्होंने काफी पब्लिक स्पेस पे मेहनत करी है कि लोगों का हक मिले, वो हमारे साथ हैं। इट इज कमांडर अशोक राउत साहब। नमस्कार अशोक राउत साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। अशोक राउत साहब का क्या परिचय दें, वो नेवी को बड़े बड़े अच्छे रूप में उन्होंने सर्विस दी है भारतीय नेवी को, मतलब हमारे नौसेना को। उसके अलावा वो खुद बैकग्राउंड से एक इंजीनियर भी हैं और एक बढ़िया सोशल एक्टिविस्ट, जो ये ईपीएस जो पेंशन स्कीम है 95, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, एनएससी नेशनल एजुकेशन कमिटी को, और इनके अंतर्गत समावेश पूरे देश के जो पेंशनर्स हैं वो इसके अंदर समावेश हो गया है उनका। और राउत साहब इज एक्चुअली लीडिंग द एंटायर आई वुड से रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल who want to receive pension from the government have to receive their rights, but इनके साथ एक तरह से step motherly treatment ही हुआ है आज तक, और इनकी बातें अभी तक assurance के अलावा इनका काम नहीं। assurance तो highest level पे हुआ है, जैसे राउत साहब की मुलाकात तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी हुई, और दो बार हुई, दो वक्त हुई, और एक है 4 मार्च 2020 में और दूसरा 5 अगस्त 2021। दोनों समय हम ये भी कहेंगे कि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के सौजन्य से ये मुलाकातें हुई और उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया, मदद की, और इनके बाद में इनके बारे में कहा गया और कहा गया कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए और इन लोगों की बातों को सुना जाना चाहिए, और ये जायज है, जो इनकी लड़ाई है कंप्लीटली जायज है, जो कई पेंशनर्स के लिए उनके लिए जीविका का आधार है। ये करीब 70 लाख लोग हैं, दे टॉक अबाउट 67 लाख, बट मैं राउंड फिगर कह रहा हूँ कि 70 लाख लोग जुड़े हुए हैं जिसमें इनका इनके ऊपर इम्पैक्ट है, और ये बहुत बड़ा तबका है जिसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि बिना मैं आगे और कुछ बोले, कमांडर राउत साहब को यहाँ इनवाइट किया हमने, हम चाहेंगे यही बताएं कि ये क्यों इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। ये आज प्रोबेबली जैसे किसान आंदोलन का एक मुद्दा था, ये मैं बता रहे थे राउत साहब, ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने इस तरह से इस बात को रखी कि ये तो एकदम कॉमन मैन का मुद्दा है, इसमें तो फार्मासिस्ट उनकी पेंशन भी जुड़ी हुई है, पब्लिक सेक्टर की जुड़ी हुई है, और कई बड़ी कंपनियों ने भी अपनी पेंशन की स्कीम शुरू करी और वो लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, और इसमें एम्प्लॉयज का पूरा इशू है, बिकॉज इट्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड राउत साहब इसको शुरू से बताइए, एकदम एज इफ वी आर अ लेमन, ऐसे हम समझते नहीं है, लेकिन एक संक्षिप्त पर बड़े साफ रूप से बताइए कि ये है क्या। ये सर एक्चुअली इन 1991 during Narasimha Rao's time, India has 1993, India has adopted liberal economy. Right. I mean that was started. So it was expected कि बहुत सारी कंपनियां भारत में आएगी, और जब कंपनी आएगी तो हमारे जो उद्योग क्षेत्र के लोग हैं वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है। अब तक तो उद्योग के क्षेत्र के लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी। 1971-72 में उन्होंने फैमिली पेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें अगर उद्योग क्षेत्र का कामगार मर जाता है तो उसकी बीवी को 5 रुपए 2 रुपए कुछ पेंशन मिलती थी। उसके बाद 1993 में ये डिसीजन ऑलमोस्ट शुरू हुआ कि नाउ चेंजिंग सिनेरियो इन द वर्ल्ड, वी मस्ट ऑल्सो इम्प्लाय और अप्लाई दिस स्कीम वेर इन social security of all these industrial workers can be assured. So in 1995, November 1995, precisely 16 November 1995, this scheme was launched. In this scheme, all labor or kamgar, jo sare niji kshetra, private kshetra, semi-government, government, Rajya Sarkar, Kendra Sarkar, सभी जो उद्योग है, पूरे भारत के उद्योग क्षेत्र के कामगार इसमें सम्मिलित किए गए, और इन कामगारों को ऐसे एक स्कीम बनाई गई कि हर महीने ये जैसे 12% ये लोग अपना पीएफ काटेंगे, वैसे उनका मालिक भी 12% काटेगा। तो मालिक के 12% जो इन इस कामगार को दिए जाते थे उसमें से 8.33% इनके
पेंशन खाते में भर दिए जाते थे। मतलब अगर हम एवरेज जैसे सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कामगार को मिलने वाले पैसे से 8.33 उसके पेंशन खाते में हर महीने भरे जाते थे। तो पहले ये 417 रुपए होते थे, क्योंकि अभी इसमें क्या एक कंडीशन ऐसी डाली थी कि आपकी पेमेंट चाहे जितनी हो, चाहे 1 लाख हो चाहे 50,000 हो, आपका बेसिक पे जो समझा जाएगा पेंशन स्कीम के लिए वो मिनिमम पेंशन मिनिमम वेजेस समझी जाएगी। उदाहरण के तौर पे पहले 5,500 समझी जाती थी, फिर 5,500, फिर 6,500 समझी जाती थी, आजकल 15,000 समझी जाती है। तो 15,000 के 8.33 इसमें भरे जाते थे। तो ये 8.33 का एक फिक्स आंकड़ा आता है, क्योंकि सभी के लिए एक बेसलाइन एक ही थी। तो 8.33 ऑफ 15,000, जैसे आज 1250 है, वैसे इन लोगों ने, पुराने लोगों ने जो भरे हैं वो है 541 रुपया। अब 541 रुपए अगर आप हर महीने भरते हैं तो उसकी 30 साल की 35 साल की रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप बैंक में भी डालते हैं तो कितने होते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। फिर ये स्कीम जब लॉन्च की तो 7 जनवरी 1996 में इन्होंने पूरे लीडिंग न्यूज़पेपर में एक बड़ी फ्रंट पेज की एडवर्टाइजमेंट दी, पूरा पेज हर लैंग्वेज में, हमारे पास हिंदी मराठी इंग्लिश के हैं। तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप इस स्कीम के मेंबर हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तुलना में 10% ज्यादा पेंशन मिलेगी। या एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप इस स्कीम के मेंबर बनते हैं तो आप रिटायर 33 साल की सर्विस के बाद 33 इयर्स के बाद आपको 27,000 पेंशन मिलेगी। अच्छा, आप जब मरेंगे तो आपके बीवी को भी 27,000 मिलेंगे, क्योंकि मूलतः बेसिकली ये जो हमने डिपॉजिट किया है वो कैपिटल इनको, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसके इंटरेस्ट पे पेंशन देना चाहते हैं। सही है। तो 27,000 आपको मिलेगी, आपके मरने के बाद बीवी को 27,000 मिलेगी, और दोनों के मरने के बाद उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है वारिस है उसको 23 लाख से 27 लाख रिटर्न करने का वादा था। तो दिस वॉज ऑल पब्लिश इन द न्यूज पेपर, सो टू अट्रैक्ट द कामगार्स इन दिस स्कीम। जब लोग इसमें आए, अब देखिए ये क्षेत्र जो है इसमें करीब 6 करोड़ मेंबर बने हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में, और ये सारे पैसे जाते हैं सीपीएससी के पास, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसके पास बाकी प्रोविडेंट फंड के पैसे भी जाते हैं, पेंशन फंड के पैसे भी जाते हैं। तो ये पेंशन फंड के पैसे उसके पास जाते हैं। इसमें काम करने वाले, पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या, पहले तो रिटायर्ड लोग है 69 लाख कुछ हजार, आपने बराबर बोला 70 लाख, तो 70 लाख लोग करीबन रिटायर्ड है। 6 करोड़ लोग इसमें आज की तारीख में अंशदान कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्कीम में, वो आगे आने वाले पेंशनर है, उनका भविष्य ये 70 लाख लोग है। और इस क्षेत्र में पूरी तरह से काम करने वाले, पूरे हिंदुस्तान में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या है 19 करोड़ 33 लाख, ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इसमें इतने लोगों के भविष्य के लिए बनाई गई स्कीम, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली थी, तो इसमें ट्राइपार्टीट कॉन्ट्रैक्ट तय हुए, गवर्नमेंट, सीपीएफसी एंड द लेबर और द कामगार कर्मचारी। तो ये लोग सब पैसे भरेंगे, गवर्नमेंट उसमें 1.16 का अंशदान करेगा, और ये सारे पैसे सीपीएफसी के पास रहेंगे। अब ये पैसों के ऊपर एक ट्रस्ट बना है जिसको बोलते हैं सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 43 मेंबर्स है। इसमें एक तो उसके प्रेसिडेंट होते हैं बाय अपॉइंटमेंट लेबर मिनिस्टर, एंड उसके सेक्रेटरी होते हैं सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और बाकी जो होते हैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है गवर्नमेंट की, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, और कुछ लोग यूनियनों से जाते हैं एज ए लेबर रिप्रेजेंटेटिव। तो 10 पीपल आर फ्रॉम लेबर यूनियंस,
from BMS, three from Intech, three from Communist, and one from HMS. That is the constitution of that CPT. अब इसमें जो प्रावधान था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था स्कीम का, उसमें यह था कि हर दो साल बाद या तीन साल बाद या उसके पहले, ऐसा लिखा है, या उसके पहले इसकी पैरिटी, जो पेंशन मिल रही उसकी पैरिटी मार्केट से की जाएगी. इन द सेंस इट वॉज लाइक डिले डीए और व्हाटएवर. तो हर दो साल बाद इसकी पैरिटी मार्केट से करने को जरूरी थी, वो उन्होंने कभी किया नहीं. जिसको 300 रुपए पेंशन मिल रही सर, वो अभी तक 300 रुपए ही पा रहा है. जब ये स्कीम फिर उसके बाद 2014 में विद द न्यू गवर्नमेंट, एक्चुअली द प्रपोजल वाज इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, बट इट वाज अप्रूव्ड फाइनली बाय दिस गवर्नमेंट इन 2014 एंड इट वाज अनाउंस दैट 1000 मिनिमम पेंशन विल बी गिवन. बट लेट मी टेल यू दिस ऑन दिस फोरम, 23 lakh people still are not getting 1000 rupees pension. Now this has lot of repercussions. It has got social repercussions, cultural repercussions, it has got, you know, financial repercussions, it has got lot of social issues are involved in this. Because agar koi 60 saal ke bade budi ko ya aged logon ko, jeshth logon ko 1000 रुपए दे, तो उसमें उसकी क्या क्या खाएगा वो, क्या दवाई लेगा, नो मेडिकल फैसिलिटीज. अच्छा, आपको ये पेंशन मिलती है इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बेनिफिट ऑफ एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि आप राशन भी नहीं ले सकते, वो 2 रुपए किलो के गेहूं नहीं ले सकते, आप मेडिकल फैसिलिटीज में आयुष्मान भारत कुछ नहीं ले सकते. तो इसमें सिर्फ ये 1000 रुपए में जीने की सजा है इनको. और मैं बताऊं, ये एक ही तबका है पूरे हिंदुस्तान में जो कंट्रीब्यूशन करके अपने बुढ़ापे की सुरक्षितता जवानी में तय कर, मतलब स्कीम के तहत उसके लिए आज की कल की सुरक्षा आज पैसे भरता है. जबकि जो पैसे नहीं भरते वो राजनेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, ओल्ड एज पेंशनर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जैसे पुलिस के कुत्तों को पेंशन मिलती है 3000, थर्ड जेंडर को पेंशन मिलती है 3000. तो सबको पेंशन है, फुकट में मिल रही है, और जो पैसे भर रहा है उसको पेंशन नहीं है. मतलब एक अजब अजब न्याय है ये. और वो भी 60 साल की उम्र में उसने आपने उसको छोड़ दिया. आप मुझे बताइए कि अगर कोई आदमी 50,000 रुपए घर में लाता है या 40,000 घर में लाता है, तो घर में उसकी इज्जत होती है, उसको पहले खाना मिलता है, गरम गरम खाना मिलेगा, डैडी आए, पापा आए. और जिस दिन वो 1000 रुपए घर में लाने लगता है तो उसका बेटा भी उसको बाप नहीं कहता, ये सच्चाई है. उसका मतलब आप देखिए कि उसकी जो उसकी अपमान की सीमा है, वो घर में भी नहीं, मोहल्ले में उसके पास कुछ नहीं होता है, वो लुटा चुका होता है, और उसको आपने 60 साल में बिल्कुल निराधार कर दिया. अब मतलब उसकी उसकी कीमत घर के उस पोछे जैसी है कि जिससे घर आप कर लिया, बाद में निचोड़ के सूखने के लिए डाल दिया. बहुत सैड कमेंट्री है सर, बहुत सैड कमेंट्री है, और सच्ची है. बोलू ना, ये सच्चाई है. और वो आदमी अपने आप को, मतलब वो कोने में पड़े झाड़ू के इतनी कीमत उसकी नहीं है घर में. उसका उसके बेटे, आज मैं ये नहीं कहता हूँ सारे बेटे बदमाश होते हैं या सब माँ बाप की तरफ देखते नहीं, ये भी नहीं मैं दावा करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करें, कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर, उनकी तनख्वाह वैसे कम है, उनके साथ उनकी बीवी, उनके बच्चे, वो आने वाली पीढ़ी को देखेंगे या पुरानी पीढ़ी को देखेंगे. तो आपने इन लोगों का, मतलब देखिए, जिस घर में मैं कभी, मेरा कर्तृत्व था, दातृत्व था, पितृत्व था, उस घर में मुझे आपने अपमानित करके छोड़ा हुआ. आज मैं कहीं भी जाता हूं तो मंदिर में आपको 50 बूढ़े बैठे मिलेंगे. वो इसलिए नहीं बैठे कि उनके दिल में भक्ति है, होगी, वो इसलिए बैठे घर में उनके लिए जगह नहीं है सर. वो हर कदम पे वो अपमानित होते हैं. तो इन लोग, ये हमारे ज्येष्ठ है, इन्होंने भारत बनाया है,
पूरी भारत की इंडस्ट्री उन्होंने संभाली, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो दवाई वाला बिजनेस हो, चाहे वो पीएसयूज हो, एचएएल इसमें आता है, ओएनजीसी, जो जहाज बनाते हैं पानी वाले वो लोग आते हैं शिपयार्ड्स, हवाई जहाज बनाने वाले लोग हैं, बीड़ी कामगार है, शुगर फैक्ट्रीज है, कोऑपरेटिव का पूरा सेक्टर है, मतलब ऐसा कोई भी उद्योग नहीं जो इसमें नहीं है। और इतने बड़े तबके को आप कैसे नकार सकते इस देश से? सही कहा। और उनका पैसा होने के बावजूद, ये नहीं कि वो फुकट में मांग रहे, कोई स्कीम मांग रहे, कोई कर्जा मांग रहे, लोन मांग रहे, कोई रिजर्वेशन मांग रहे, कुछ नहीं, उन्होंने पैसा भरा है। तो जिसने पैसा भरा है उसके पैसे का हिसाब तो दोगे आप? बिल्कुल। क्या दूसरी तरफ बांटोगे और इनको इनके जिम्मेदारी कुछ नहीं, आपकी जिम्मेदारी इनके प्रति, उनका पैसा ले लिया और 60 साल के बाद छोड़ दिया? ये कौन सा न्याय है सर? ये न्याय मांगने के लिए आज हमने मुहिम खड़ी की है और हमने सोच लिया है कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम वहां जाके मरे रामलीला करूं। सर बड़ी विडंबना की बात है, पर दो मिनट आपका लूंगा। मैं चाहूंगा कि तो मेरे कलीग जो है आपकी जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकातें हैं उसकी हमारे व्यूअर को एविडेंस दे दें, जिससे कि ये समझ में आ जाए। आप हाईएस्ट लेवल पे जाके ये गुजारिश और ये आपने प्रार्थना करी है और ये कंट्री की सबसे बड़ी ऑफिस के सामने आपने प्रार्थना करी है। और ऑफ कोर्स थैंक्स टू हेमा मालिनी जी। तो वो पिक्चर जरा दिखाइएगा स्क्रीन पे बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, ये पिक्चर है जब माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करवाई राउत साहब की और उनके टीम की। ये वो एक है और एक और है, क्योंकि ये दो मीटिंगें हुई हैं। मैं समझ रहा हूँ 4 मार्च 2020 की एक मीटिंग है और दूसरी एक 5 अगस्त की है। और भी पिक्चर दिखाइए। ये एक और पिक्चर है मुलाकात की। तो ये रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट ऑफिस में हो चुकी है भारत में और एश्योरेंस भी है। माननीय प्रधानमंत्री का एश्योरेंस था जैसा मैं समझ रहा हूँ, तो इसको जरा समझाएं राउत साहब इस मीटिंग्स को और एश्योरेंस को प्रधानमंत्री साहब के। जी सर, हमने हाँ जी, ये तीसरी पोस्ट के पहले तीसरी, मतलब हमारा ये संगठन प्राइम मिनिस्टर के साथ जी, हमारा हमने ये लड़ाई शुरू की वॉइस का 2015 हमने ये लड़ाई शुरू की 2000 जी। नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके, कम बैक। हमने ये लड़ाई शुरू की 2015 से, फिर उसमें हमने फॉर्मली जो हमारी संगठन बनाया 2017 के जून में, उसके बाद और उसके पहले भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए। अब गली से मोहल्ले से, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि सरकार को जागरूक करने से पहले, बूढ़े लोगों का संगठन है, लोग बीमार है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पेंशन 1000 मिल रही है, तो इन लोगों का संगठन बनाना, उनको जागरूक करना, उनको इकट्ठा लाना और फिर उनसे आंदोलन करवाना, पैसे तो किसी के पास नहीं थे, तो ये सारी चीजें करके हमने, जब हमने जंतर मंतर पे कम से कम 8 हमने आंदोलन किए, रामलीला ग्राउंड में हमने अब तक 2 आंदोलन किए, इंडिया गेट किए, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक साष्टांग नमस्कार आंदोलन किया, मतलब बहुत सारे अर्धनग्न आंदोलन किए, भिक्षा मांगो आंदोलन किए, ताकि हमारी समस्या की तरफ लोगों का ध्यान जाए। अब इसमें यह हुआ कि हमने करीब भारत में सभी सांसदों को, हर एक को 7 times हमने लेटर लिखे हमारी समस्या, सांसदों को लिख दिया, सभी को, राज्यसभा के, लोकसभा के सभी सांसदों को, सभी को हमने लेटर लिखे कि ये हमारी समस्या है, आपके हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हम है हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भरा हुआ समाज है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ये लोग है, तो इनकी समस्या आप संसद में उठाइए। उन्होंने उठाई, कई लोगों ने उठाई, करीब 250 सांसदों ने हमें समर्थन का लेटर भी दिया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जो आदरणीय हेमा मालिनी जी है, हमारी मथुरा के सांसद, उन्होंने एक तो मातृ हृदय है और उनके कुछ अपने अनुभव होंगे, या उन्हें हमारी बहुत दया आई, हमारी उनसे मुलाकात हुई पहले, हमारी उनसे पहले 3 मुलाकात हुई,
उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ये काम में हिस्सा, हमने उनको बोला कि हमको लीड लीजिए, अगुवाई कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए और हमें हमारी जो समस्या है उसको प्रधानमंत्री जी के पास कहना है। तो उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अपॉइंटमेंट ली और हम प्रधानमंत्री जी से 4 मार्च 2020 को मिले। तब हमें बताया गया था हेमा मालिनी जी द्वारा कि हम आपको सिर्फ 3 मिनट का समय है, लेकिन जब हम गए सर तो मैं प्रधानमंत्री जी का, हेमा मालिनी जी का बहुत बहुत आभारी है हम लोग कि प्रधानमंत्री जी ने वो 3 मिनट का समय 30 मिनट का किया। 30 मिनट तक उन्होंने पूरी बात, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं वैसी बात उन्होंने उसी इंटेंसिटी में सुनी। और मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कमेंट करने के लिए, लेकिन उनकी भी आंखों में नमी थी और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीछे खड़े थे हमारी जब मीटिंग हो रही थी उनको बुलाया और कहा ये काम हमें करना है, इसमें लिख लीजिए। अच्छा, ये इतनी इंस्ट्रक्शन साफ हो गई है, मैं बीच में हमारे सामने, हमारे सामने मतलब उन्होंने माननीय जितेंद्र सिंह साहब को कह दिया कि इसको करना है, पीएमओ के जो राज्य मंत्री है उनको कहा। और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो हम बाहर निकले तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा, बोले हाँ कमांडर साहब अब तो आप प्रधानमंत्री जी ने कह दिया आप तो बिल्कुल उस पे दोहराए। फिर बोले मेरे ऑफिस में आ गई, तो हम उनके ऑफिस में गए, तब तक हेमा मालिनी जी वापिस गई थी, हम उनके ऑफिस में गए, उन्होंने पीएमओ के आईएएस अधिकारियों की मीटिंग ली, उनको बताया कि प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ बिगर प्रॉब्लम एंड इट हैज टू बी सॉल्व्ड। करेक्ट। तो उन्होंने मतलब वहां पे बोले अभी आप जाओ, हमने हमारे अटैच में इतने पेपर थे रखे हुए बहुत सारे, हम वो दिखाने गए तो उन्होंने बोला ये मत दिखाओ, वी नाउ वी ऑल नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी विल गेट अवर डाटा एंड वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू प्लीज गो नाउ एंड बी एंड रेस्ट, बहुत किया आपने। तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद हम बड़े खुश होकर वापिस आए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कोरोना भी लग गया। अब हमारी समस्या ये है कि अगर ये जो इतना मेहनत से जमा किया हुआ समाज है जो चल फिर नहीं सकता, जिसके पास पैसा नहीं, साधन नहीं है, उस समाज को फिर बनाए रखने के लिए हमने कोरोना पीरियड में भी मीटिंग की, मीटिंगें करते रहे। आज बुल्ढाना में जहां मैं रहता हूँ, जहां इस संगठन का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर पिछले 1300 दिनों से श्रृंखला चल रहा है। और मैंने अभी एक पिक्चर दिखाई गई, वो वित्त मंत्रालय की थी और मेरे हिसाब से आपने बताया हुआ है। इसके पहले एक टेबल पे आपने एक पिक्चर दिखाई थी, हमारी वित्त सचिव महोदय के साथ हुई बैठक है। हमने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने तैयार किया था, हमारे संगठन में बहुत सारे लोग है, अच्छे लोग है, उद्योग क्षेत्र के पूरे लोग है, उनसे हमने एक रिपोर्ट बनवाई कि ये समस्या कैसे हल हो सकती है। सही, शुरुआत से हमारा ये दावा रहा है और ये वादा आज भी है कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बिल्कुल सॉल्यूशन, वी वांट सॉल्यूशन एंड वी डोंट वांट टू इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ समथिंग फॉर एनीबॉडी। सो हम अपना रिपोर्ट लेके गए थे जो हमने वहां पेश की, और वित्त सचिव जी ने वो रिपोर्ट देखने के बाद ये भी कहा कि एक संगठन इतनी अच्छी रिपोर्ट बना सकता है ये मैं यकीन नहीं कर सकता। और हमने 9 सदस्यीय कमेटी मैंने बिठाई थी एज ए प्रेसिडेंट हमारे संगठन की, और पूरा उसमें लेखा जोखा था, उसमें पूरा लिखा था कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कितने पैसे कहाँ है, क्या है। और वो देख के उन्होंने भी ये कहा कि इतनी सटीक रिपोर्ट, इससे मैं आपका म्यूट हो गया, म्यूट है ये भी हो रहा है, वो भी हेमा मालिनी ने ही इनिशिएटिव लेके करवाया था, उनके पीए हमारे साथ में थे। हेमा मालिनी जी का मैं बहुत आभारी, इतनी संसद, हमारे अगर सभी सांसद इतने संवेदनशील हो तो देश में समस्या ही ना हो। बढ़िया, ये देखिए इसमें एक बड़ा सवाल है सर, आपने एक बार पॉइंट लिखा है आपकी रिप्रेजेंटेशन में, उसमें आखिरी पॉइंट में ये देख रहा हूं कि यू हैव सेड दैट इन दिस स्कीम
देर आर ऑल्सो नाउ प्राइवेट कंपनीज विच हैव गॉट देयर ओन स्कीम्स. तो मैं ये समझना चाहता हूँ ये प्राइवेट कंपनियों ने अपनी क्या स्कीम बनाई है जिनकी इसमें रिप्रेजेंटेशन का तो कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये आखिरी नोट में कहा गया है कि दे हैव देर आर TCS, विप्रो, हिंदुस्तान लिवर, रिलायंस, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज, BHEL, किर्लोस्कर, स्पिनिंग मिल्स, पेपर मिल्स एक्सेट्रा, जिनके एम्प्लॉयज के भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है. हाँ, इसमें इसमें क्या, जब ये स्कीम बनी थी सर, तब उन्होंने ये बोला था कि आइदर यू डिपॉजिट योर मनी इनटू CPFC, ओके, हम आपका उसका रख रखाव करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको पेंशन की गारंटी देते हैं, ओके, या तो फिर आप उसको LIC में कर सकते हैं. LIC तो कुछ लोगों ने LIC किया, कुछ लोगों ने वहां पे किया, लेकिन समस्या सबकी एक ही है. ओके, आज भी वो समस्या. ओके, सो बेसिकली दी दी होल इशू इज कि ये कंट्रीब्यूशन तो कर दिया गया है, हाँ, पर आप लोगों को वो जो मिलना चाहिए वो राइट्स आपके मिले नहीं. हाँ, जैसे अभी अगर कोई तमिलनाडु की स्पिनिंग मिल है या उत्तर प्रदेश का शुगर फैक्ट्री है या महाराष्ट्र का कोई कारखाना है, ये सारे पैसे जाते हैं पेंशन फंड के CPFC के पास. करेक्ट. और CPFC जो पेंशन फंड उसके पास है वो बहुत बड़ा फंड है. अभी हमने ये भी बताया, हमने ये सिद्ध किया है हमारे रिपोर्ट में कि आपको सरकार को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं. अगर हमारी मांगे आप पूरी कर सकते हो तो हमारे पैसे में भी कर सकते हो. केवल मेरा एक सवाल है सर, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस फंड अकॉर्डिंग टू यू जो अब कलेक्ट हो चुका है? सर, दिस फंड टुडे अप्रोक्सीमेटली होल्ड्स 6.7 lakh crore. Mind boggling. And that too after lot of pilferage or whatever you call it. Presently it is 6.7 lakh crore approximately. Every month, every year, these 6 crore employees, they are contributing 1250 rupees. Okay. Per month. So almost 90,000 crore is coming into kitty every year. 90,000 crores every year? Every year. Okay. That is contribution by the 6 crore people. I know. Of 6 crore. And 90,000 crore is coming into the kitty every year. Okay. And this particular 6.7 lakh crore is already there. Plus, it's already there as a deposit. Plus, every year's interest is not less than 60,000 crore. Oh. Now you tell me, and how our demand is, if they put all our demands from our funds, it will cost them around 45-50,000 crore per year. So, हमें हमारा देश के बाद भी वो फंड बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा. जब हर साल 90,000 करोड़ आ रहे हैं, खर्चा पानी कुछ 40,000 करोड़ के आउटकम है. नहीं, देखिए 90,000 करोड़ हर साल आ रहे हैं, 6.7 लाख करोड़ उसमें है, और हाँ, जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, जो वो सब समझ गया मैं, वो करीब 60,000 करोड़ आ रहा है. अब इसमें हमारी जो डिमांड है, जो हमारी डिमांड है वो उस इंटरेस्ट से भी कम है. अच्छा, तो हमें देखिए आपका फंड तो बढ़ता रहेगा ना, हमें तो. हाँ, आप कह रहे हैं कि मोटा मोटी आप कह रहे हैं कि जो हम अपनी मिनिमम डिमांड सपोज 7,500 प्लस DA मांग रहे हैं, उसमें वो फुलफिल कर सकते हैं एंड दे हैव इनफ रिसोर्सेज इन. एब्सोल्युटली, विदाउट गवर्नमेंट्स इवन कंट्रीब्यूशन दे कैन डू इट. एग्जैक्टली, प्लस देयर फंड विल कीप इंक्रीजिंग, इट विल नॉट डिप्लीट. एग्जैक्टली. सो अब आप मेरे को ये बताइए कि आफ्टर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज कैटेगोरिकली directed that this should be sorted out, what is stopping, where the, according to you with your experience, why this is not moving when there is no bigger office than the prime minister of the country? I'll tell you something to support I'll tell you in this context, the 5th August 2021, when we met the honorable prime minister once again with honorable Hema Malini ji, he dekhte hi keh diya, बोले आपका विषय मेरे संज्ञान में है, मैं उस पर काम कर रहा हूं,
तो इट वॉज 5th अगस्त। अब हमने हाथ जोड़ दिए, हमने बोला सर अगर आप कर रहे हैं तो 15 अगस्त को डिक्लेयर ही कर दीजिए, बिल्कुल उनकी जान में जान आएगी हमारे लोगों की, वैसे मर रहे हो। तो इसे अरे भाई ऐसे नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस, लेट द प्रोसेस गेट कंप्लीटेड। मैं करूंगा, मेरे संज्ञान में है, मैं काम कर रहा हूँ। फिर उस बार भी जितेंद्र सिंह जी वहां पे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इनकी डिमांड लिख लीजिए और इनको जिसको जिसको यहाँ मिलवाना है मिलाइए। करेक्ट। उसके बाद बाहर जाने के डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कमांडर साहब किससे मिलना चाहते हो? हमने कहा सर कृपा तो सारी फाइनेंस में अटकी होती है आपकी, हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे। तो हम आदरणीय हेमा मालिनी जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मेरे दो साथी हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह जी, हम सब लोग निर्मला सीतारामन जी से मिलने गए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से। और फिर हेमा जी ने मुझे कहा कमांडर साहब उनके सामने जो चेयर है उस पर जाके बैठो और उनको समझाओ पूरी बात। मैंने निर्मला जी को बोला, मैंने बोला मैडम ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला मैडम आप मुझे एक बात बताइए, आप बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, वो बात नहीं, एक बात बताइए कि आप अटल पेंशन योजना में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, श्रमयोगी मानधन योजना में सरकार 100% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, एनपीएस में न्यू नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम में आप 14% डालते हो, तो हमारे स्कीम में 1.16% क्यों डालते हो? हम सौतेले? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल हमने उनको ये किया कि अगर श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपए भरने से 30 साल बाद मुझे 3,000 रुपए मिलते हैं, ये आपकी गारंटी है, मैंने 541 हर महीने भरे हैं, मुझे कितने मिलने चाहिए आप बताओ? वेरी गुड। जब आपके एक स्कीम में 100 रुपए का 3,000 होता है तो मेरे मेरे स्कीम में 541 का कितना होना चाहिए? इस सिंपल त्रैराशिक है उसको बताइए आप। अरिथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स है 100:3,541:what? तो ये सवाल हमने उनसे पूछे। और दूसरी बात हमने आदरणीय निर्मला सीतारामन जी को ये बोली, हमने बोला मैडम देखिए आप कितनी भी कोशिश कर लो हम सब मिलके हमारी संस्कृति सुधारनी है, लोगों में भक्ति पैदा करनी है, हमारे बूढ़ों बूढ़े बीढ़ों के बुजुर्गों के प्रति स्नेह पैदा करना है, ये नहीं होगा, ये भाषण से होगा नहीं। Right. आप जब तक ज्येष्ठ नागरिक को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। Right. जो हमारी संस्कृति है मातृदेव भव पितृदेव भव गुरुदेव भव, वो तब तक सफल नहीं होगी जब मेरे बाप के हाथ में महीने के 10,000 रुपए नहीं है, नहीं तो उसको तो वो तो आज लाचार है। जिस बेटे को उसने चड्डी से लेके बनियान से लेके किताब से लेके किया, उसकी पढ़ाई के लिए यहां वहां से उसने लोन उठाए तो सिखाया पढ़ाया, वो बेटे के सामने आज 20 रुपए के लिए हाथ फैला रहा है, 200 रुपए के, वो चाहे इंजीनियर बनाओ डॉक्टर बनाओ, देने वाला हाथ जब फैलता है ना तो आह निकलती है सर। बिल्कुल। और जब तक आप इस तबके को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करोगे तब तक आपका घर की सिस्टम ही नहीं सुधरेगी। जब मेरे घर में मेरा बाप अगर 10,000 रुपए बना लाता है तो उसमें क्या, उस देखिए उसमें उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, मैं बताता हूं, अगर हम भी उनकी जगह है, महत्वाकांक्षा क्या है कि अगर मेरी छोटी सी नाती पोती मेरे पास दौड़ के आ जाए और मुझे कहे अब्बा अप्पा मेरा आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, तो मैं 500 रुपए का फ्रॉक लेने के लायक रहना चाहिए ना? बिल्कुल सही। मेरा अगर दोस्त 20 साल साथ में मैंने काम किया है किसी के, वो अगर मेरे से मिलता है तो मुझे इतनी क्षमता चाहिए सर, ज्यादा नहीं चाहिए, हमको ताजमहल नहीं चाहिए, इतनी क्षमता चाहिए कि चल यार हम तो कहीं दो वक्त की रोटी कहीं खाते हैं, हम होटल में खाना खाते, इतना तो इतनी क्षमता मैं चाहता हूँ। मैं ये क्षमता चाहता हूँ कि अगर किसी दिन मेरे घर में मेरी बहू ने मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया तो मैं उसको बोलूंगा भैया तू अपना घर रख, मुझे 10,000 मिलते हैं, मैं 2,000 का टीन शेड में रहूंगा
और 4,000 का टिफिन लगाऊंगा और मैं और मेरी बीवी वहां पे रहेंगे शांति से। ये क्षमता हमारे, हम जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहते। बिल्कुल सही, ये क्षमता चाहते हैं कि शायद मैं मर जाऊं तो इसके पास लकड़ी खरीदने के पैसे ना हो, मैं अपने जमा करके रखूं, या मैं मेरे को कुछ कोई दफनाए तो कफन मेरे पैसे से आए। इतनी क्षमता चाहते, बहुत बहुत नहीं मांग रहे। और वैसे पुलिस के कुत्तों को 3,000 पेंशन है सर, राइट। थर्ड जेंडर को 3,000 पेंशन है। आज हरियाणा में 2,500-3,000 पेंशन उद्धाप काल की है। दो बूढ़े अगर उस घर में है वो 6,000 रुपए लेके आ रहे हैं, और इसने पैसे भरे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उसको कुछ नहीं। मतलब ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आती कि जब हमारा नंबर आता है तो सत्यनारायण का प्रसाद खत्म। हमको इस पे सोचना चाहिए। सभी जो हमारे धुरीन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो देश चलाते हैं, समाज चलाते हैं, उन सभी को सोचना चाहिए कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। राइट सर, सो व्हाट इज द नेक्स्ट मूव सर? एंड आई अंडरस्टैंड, मैं तो आज ये आपके कहने पे ये समझ रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने एश्योरेंस भी दिया और एक तरह से डायरेक्शन भी दी, डायरेक्शन के बावजूद भी ये सब नहीं हुआ, ये बड़े विडंबना की बात। इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्टतया कहना चाहता हूँ, हमारी जो सिस्टम है ना, अंग्रेजों ने बनाई हुई, उसमें इतना जड़त्व है, वो इतनी इतनी हेवी सिस्टम है कि उसमें एक संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं। पहली बात, एक फाइल एक टेबल से आने के लिए मतलब युगो लगते हैं शायद। तो इट्स अ फैक्ट, जब हम भी कोई सर्विस में थे, एक क्लेम निकालने के लिए 2-2 साल लगते थे। तो इन लोगों को ऐसा, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है ना, इट हैज गॉट लॉट ऑफ स्कोप टू फॉर इम्प्रूवमेंट, लॉट ऑफ स्कोप। यस आई एग्री, मतलब उनको तो संवेदनशीलता तो बिल्कुल खत्म है। और वहां पे अगर कोई भी कहे, इनका फर्क नहीं पड़ता, इनको 5 बजे घर जाना है, 9-10 बजे आना है, दिन जाओ, पैसे आओ, प्रमोशन पाओ, कोई 2 साल एक जगह पे टिकता नहीं है। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, 3 श्रम मंत्री हो गए, 3 CPFC हो गए, 3 लेबर में सचिव हो गए, 3 फाइनेंस सचिव, क्या कंटिन्यूटी है? तो यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल, वो चेयर इज इम्पोर्टेंट सर, दैट चेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट चेयर, एंड द चेयर आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इन दिस केस द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड कि इसका जो है सोल्यूशन निकालना है, ये उनकी डायरेक्शन आप खुद कह रहे हैं। ये इतना होते हुए भी अगर नहीं हुआ तो बड़े अचंभे की बात। हाँ, तो ये इसमें और एक बात है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी पॉलिटिक्स से परे नहीं है, पॉलिटिक्स से परे कोई नहीं आज। Right. तो ब्यूरोक्रेट जो है वो भी शायद चाहते हैं इतना बड़ा श्रेय इनको क्यों जाए। मैं बहुत लेमैन हूँ, ज्यादा समझता नहीं हूँ, वो मतलब जहां जिसकी उसकी लॉयल्टी बंधी हुई है, और इसलिए शायद इसमें देर हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं आपके जरिए एक विनती करना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत स्ट्रांग लीडर है, और इतने स्ट्रांग नेता हमें मिलने के बाद ये समस्या जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए, और अच्छी तरह से हल होनी। आपका वॉइस, योर वॉइस सर, वॉइस यस सर, यू कैन कंटिन्यू सर। आवाज नहीं आ रही सर। आ रही आपकी? आ रही है, आ रही, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। हाँ ठीक है, बोलिए सर। यू कंटिन्यू। इसलिए आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग अपने अपने क्षेत्र में महत्व के लोग हैं, जैसे राजनीति में महत्व के लोग होंगे, सामाजिक स्पेस में होंगे, आध्यात्मिक गुरु होंगे, या ब्यूरोक्रेसी में बड़े लोग होंगे, या आपके से जो समाज के मीडिया में होंगे, इन सभी लोगों ने इस समस्या की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये समस्या
कोई पॉलिटिकल इसमें एंगल नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, प्योरली प्योरली इनका हक इनको दिलाने की बात है, और वो भी उनके पैसे से, उन्हीं के पैसे से। तो ये बहुत जरूरी है, अभी हम आगे चल के जो करने जा रहे हैं, अभी 1 अगस्त से हम CPFC के सामने श्रृंखला अनशन करेंगे, राइट, भिकाजी कामा प्लेस में, और उसके बाद 6 तारीख तक वो चलेगा, ये हमारी वार्निंग है। उसके बाद 7 तारीख से हम आमरण अनशन करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, आमरण अनशन के लिए मेरे पास सैकड़ों लोग नाम आए हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम आत्मदहन करेंगे, हमने उनको बोला भैया ऐसा कुछ मत करो, हमें मरना नहीं है, हमें अपना हक लेना है। तो 7 तारीख से आमरण अनशन होगा, और उसके पैरेलल चलते रामलीला ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग आके 8 तारीख को एक प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, शायद रास्ता रोक करेंगे। तो ये सब इसीलिए है कि हमें आश्वासित कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। अभी हम रिजल्ट के प्रति इतने आतुर क्यों हैं, इतने चिंतातुर क्यों हैं? क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स है, हर महीने EPS पेंशन धारक 200 मरते हैं, हर महीने 6000 मरते हैं, 6000 लोग हर महीने EPS पेंशन धारक, वो लोग मर रहे हैं हर दिन, 200 लोग मरते हैं हर दिन, 200 लोग। तो इतने अगर, और वो भी मतलब मैंने देखा है सर, जो लोग हमारे साथ आंदोलन में थे कभी, वो आज है कल नहीं है, मतलब याचना करते मर रहे। अब ये कौन सा सरकार, कोई साहूकार है क्या? हमारा पैसा अपने पास दबा के रखा है, और उसमें ये चींटियों जैसे लोगों ने बनाए हुए पैसे पे वो सांप बन के बैठे हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी दोषी है, बहुत बड़ी दोषी, क्योंकि परमानेंट सरकार तो वही है, राइट। मुद्दा 95 बात कही आपने, ये आज मैं आपका पिकअप कर रहा हूं, आपने ब्यूरोक्रेसी को एक परमानेंट सरकार बताया इस सिस्टम में, और वो सरकार हमेशा रहती है, और उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि इन चीजों को ना आने दिया, क्योंकि कल को कोई भी और भी प्रधानमंत्री बनेगा, या करंट प्रधानमंत्री, पास प्रधानमंत्री से कई जगह प्रधानमंत्री बने, एक बार अब उस दफ्तर पे पहुंच गए तो वो प्रधानमंत्री ने आपको एश्योरेंस दे दिया इस केस में, और डायरेक्शन भी दिया, और डायरेक्शन भी दिया कि भाई अपने मंत्री को बुलाया, जितेंद्र सिंह साहब को बुला के, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर को बुला के कहा कि इसको करना है। और एक और बात मैंने आपके सिस्टम में से सुनी, उन्होंने आपको आधा घंटा सुना, जनरली प्रधानमंत्री इतना वक्त नहीं देते हैं किसी चीज के लिए, 10-15 मिनट की बात होती है नॉर्मली, आप लोगों को आधा घंटा दिया है। तो कहीं से भी मुझे नहीं लगा कि आपकी सुनवाई उस लेवल पे नहीं हुई, सुनवाई हुई, और थैंक्स टू इमाम, सुनवाई हुई, पर एक्शन इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेंसिटिविटी की बात, वो ऐसे है कि 3 तारीख हमें समय दिया था, 3 तारीख को 4 मार्च की बजाय 3 तारीख समय था, हम गए, हमारे एक साथी चल नहीं पा रहे थे, वो कहीं से, हम 4 लोग थे तो 3 लोग तो पहुंच गए, एक मथुरा के हमारे साथी थे वो चल नहीं पा रहे थे, वो फंस गए कहीं ट्रैफिक में, उनको सूझ नहीं रहा था कुछ, बूढ़े आदमी। तो प्रधानमंत्री जी ने, हेमा मालिनी जी बोले नहीं जब तक वो नहीं आते सब लोग आप, तब तक मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको, बिल्कुल सही बात है। तो प्रधानमंत्री जी ने 3 तारीख की अपॉइंटमेंट 4 तारीख को, अब देखिए इतनी बड़ी सेंसिटिविटी इतने बड़े ऑफिस से मुझे अपेक्षित नहीं थी, मैं बिल्कुल उनके आभार मानता हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनके प्रति, हेमा जी के प्रति, लेकिन जो सिस्टम है सर वो चलनी चाहिए। अब उसके लिए जिम्मेदार तो पूरी श्रृंखला में काफी लोग होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी में सेंसिटिविटी बहुत कम है। अब ज्यादातर ब्यूरोक्रेट जो दिल्ली में बैठे हैं शायद वो गांव खेड़े से गए नहीं होंगे, वो तो वही होता है, मैं मिलिट्री मैन हूं, मेरा बेटा मिलिट्री मैन बन गया, किसान का बेटा किसान, ये भी बड़े लोगों के, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा तो ब्यूरोक्रेसी हिलनी चाहिए, हिलनी चाहिए। इफ ही सेड
there has to be, you know, movement in the this whole anaconda. Entire system down the line. Entire. So, Rauta, और कोई बात आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने बड़े तरीके से आपने समझाया why this is almost like it may tomorrow impact 90 to 20 crore people. Today you are 70 lakhs, but it may impact 90 to 20 crore population. What happens to you will set the tone for what happens to them in the future. So this is the employee provident fund scheme, and it cannot be taken so lightly. And this has gone to the top. इसके कुछ रिजल्ट आने चाहिए और आप लोगों की मदद होनी चाहिए किसी तरह से। अभी हमने जो जब से आंदोलन शुरू किया है, हम मेरी गाड़ी है, एक ओल्ड गाड़ी है 10 साल की, उसमें पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं हम, टाटा सुमो गोल्ड। ओके जी। हम अपने घर से रोटियां बांध के ले आते हैं जो 4 दिन खाते हैं, जब तक उसमें ऐसा तार नहीं निकलता हम रोटी खाते हैं। हम जमीन पे जहां मिले वहां सस्ते में सोते हैं। जो आंदोलन होता है, बड़ी सभा हुई, आंदोलन हुए, जो लोग आते हैं सब 20-20 10-10 रुपए देते हैं और उसी में आंदोलन चलता है। तो हमारा फाइनेंस इतना तगड़ा है कि हमें कहीं कमी आती ही नहीं, क्योंकि हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन, हर किसी के एफर्ट्स है और हर किसी की जिद है। तो ये जो वृद्ध समाज, इस संगठन ने अभी तक हमें रिजल्ट जो चाहिए वो तो दिया नहीं, हमारे आंदोलन में अभी तक वो रिजल्ट मिला नहीं। लेकिन जो रिजल्ट मिले हैं वो ये है, जो आदमी हमारा कभी खाट पे बीमार पड़ा था, हॉरिजॉन्टल पड़ा था, और जो खड़ा होके बोलता है क्यों नहीं देगा पैसा, पैसा मेरा है, देना चाहिए, ये ऊर्जा, ये एनर्जी वृद्ध समाज में जागी है, इसके लिए हम ईश्वर को बहुत उसके आभारी है, उसी की कृपा है। और ये बहुत बड़े तौर पर ये संगठन खड़ा हुआ है, आज 27 राज्यों में जिला स्तर तक, कई राज्यों में तालुका स्तर तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। आगे चल के हम इसमें वर्किंग एम्प्लॉयज भी लेंगे और ये चलेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं जो मैं कहते हुए भूल गया, ये जो 10 मेंबर सीबीटी में कामगारों के है, उसमें 3 BMS के, 3 INTEC के, 3 कम्युनिस्ट के और 1 HMS का है, ये रिनोन्ड यूनियंस है। अब ये लोग जो बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर होते हैं, तो यूनियन के मेंबर नहीं रहते, तो इसलिए इन यूनियनों को भी इनसे कोई लेना देना नहीं, ये कोई यूनियन का मेंबर नहीं। यकीन मानिए 2008 में एक सीपीटी मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि ये 70 लाख लोगों ने जो जमा किया हुआ पैसा है, जो उनके मरने के बाद वापिस करना था, वो अब वापिस नहीं किया जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? और ये 10 हमारे जो महारथी वहां बैठे थे, कामगारों के प्रतिनिधि सो कॉल्ड, वो बैठे रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया, वॉकआउट नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, रेजिग्नेशन नहीं दिया। 70 लाख लोगों की जिंदगी भर की जमा की हुई पूंजी आपने एक झटके में निकाल दी, मतलब एक निर्णय आपने ले लिया कि ये 70 लाख लोगों का ये जो है ये वापिस नहीं होगा। ये तो बड़ा लोगों को मालूम भी, ये तो बड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि ये आप लोगों की जीवन भर की पूंजी है। अब इसमें जो 43 मेंबर्स है, वो 43 मेंबर्स है, सब दोषी है, लेकिन जो हमारे इमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सौतेले भाई, चचेरे भाई कुछ लगते हैं, वो यूनियन के लोग हैं। अब ये ट्रेड यूनियन के लोग अगर वहां पर इसका प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, इसके खिलाफ नहीं बोल पाए, वॉकआउट तक नहीं कर पाए, तो इनको क्या बोलना चाहिए? इनका आदर होना चाहिए? मैं सभा में कहता हूं कि इनका आपके प्रति ये लगाव है, आप रिटायर हो गए, आपके पास पावती फाड़ने की क्षमता नहीं है, बस आप उनके कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। It's a very sad, sad commentary जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से हो रहा है, अपने आप को बताने वाले भी ऐसे हैं। आपकी फिर थोड़ी सी आवाज चली गई थी, पर कामगारों की रहनुमा जो अपने आप को बताते हैं, हाँ जी, वो भी अगर ऐसे करे, 70 लाख लोगों का पैसा एक झटके में चला गया,
without asking them, without telling them, without any reason, just because they feel it. Very sad. So Rahul Saab, I think आपने passionately ये EPS 95 को represent किया and you are leading an आंदोलन मेरी नजर में. मैं चाहता हूं अब मैं ये close कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई और बात नहीं होगी तो मैं close कर सकूं आपकी इजाजत से close करेंगे इसको. तो Rahul Saab ने कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया, हम एक agitation की तरफ final जा रहे हैं जो हमारा आखिरी रास्ता ही चुनना पड़ा हमें कि दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली जाएंगे. इन्होंने कहा है कि अगर वो 1 अगस्त से जो भैकाजी कामा में जो सेंट्रल प्रोविडेंट फ्रंट ऑफिस के सामने ये जो एक तरह से अनशन आंदोलन करेंगे उसके बाद आमरण अनशन वाली बात हुई है 7 अगस्त के ऑनवर्ड्स जैसा मैं समझ रहा हूँ. तो ये इस परिस्थिति पर ना आए मैं तो आज भी इस वीडियो के थ्रू हम शेयर करेंगे प्रधानमंत्री को डायरेक्टली ट्विटर में. हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको करें और हिमामाली जी को भी टैग करें. और मैं चाहता हूं कि राउत साहब की जो आंदोलन है वो कम्प्लीटली एपॉलिटिकल है, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है. वो केवल लोग जिन्होंने अपने पैसे से देश की स्कीम में इन्वेस्ट किया जिससे कि उनकी फ्यूचर जब उनका बुढ़ापा हो तब उनका सहारा बने, इसीलिए ये सरकार को की स्कीम में गए और सरकार से ही वो मदद चाह रहे हैं और वो अपनी राइट्स को चाह रहे हैं. कुछ भी गलत नहीं मांगा जा रहा है, सब कुछ जो उनका जायज हक है जिसमें इन्होंने ही पैसे डाले उसी के रिटर्न्स मांगे और छोटे मोटे रिटर्न्स हैं और मेरे हिसाब से कंप्लीटली जायज है. ये चार हमारे सामने है. पहला डिमांड इनका है मिनिमम पेंशन भी एनहांस टू ₹7,000+ DA. दूसरा इनका मैंने देखा विड्रॉल ऑफ EPFO इंटरिम एडवाइजरी डेटेड May 31, 2017 एंड अबेंस लेटर डेटेड 20th ऑफ, ये अब ये डेट समझ नहीं आ रहा, जैन की फेबर है आपका 2021 का लेटर है ये. गिविंग EPS 95 पेंशनर्स द चॉइस ऑफ अ हायर पेंशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर. बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत मांग रहे हैं, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं. एंड एज पर EPFO सर्कुलर ऑफ March 23, 2017 ये इनका सेकेंड मांग था. इसके अंदर इसमें इन्होंने एक यूनियन मिनिस्टर का नोट भी डाला, वो पढ़ नहीं रहा हूँ अभी. नंबर तीन, ये मिल जाएगा हमारे इसमें पोस्टिंग में. नंबर तीन, प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल EPS 95 पेंशनर्स एंड देयर स्पाउसेस, ये तीसरी मांग थी इनकी. और दिस मॉडल स्कीम हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड एंड इज बीइंग इंप्लीमेंटेड दिल्ली ऑन अ ट्रायल बेसिस सिंस 2017, ये भी लिखा उन्होंने. दिस स्कीम कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल EPS 95 पेंशनर्स ऑल ओवर द नेशन विच कुड सेव मेनी लाइव्स ड्यूरिंग दिस ग्लोबल पैंडेमिक, ये भी बात कही गई. सो द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो था इनका वो था रिटायर्ड एम्प्लॉयज हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द EPS 95 स्कीम बी अलाउड टू एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबरशिप बाय रिकवरिंग कंट्रीब्यूशंस विथ इंटरेस्ट एंड ग्रांटिंग देम विद ड्यू एरियर्स, ये भी इन्होंने एक रास्ता खोलने की बात की और बिल्कुल जायज है. अल्टरनेटली दे मे बी ग्रांटेड अ फिक्स्ड नॉमिनल एंड मंथली पेंशन ₹5,000 की बात कही है. इसके अलावा भी है कि दीज डिमांड्स आर फॉर 65 लाख पेंशनर EPF पेंशनर फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. सो सबसे बड़ी बात है कि दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये किसी एक तरफा रिप्रेजेंटेशन की नहीं बात, और टिल अगस्त 2014 की बात हो रही है. कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फार्मा सेल्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HMT, BML, बेल, स्पिनिंग मिल्स, पेपर मिल्स एंड मीडिया टू. तो ये एक एक तरह से पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा है कि पूर्ण रूप से भारत की रिप्रेजेंटेशन है, भारत के एम्प्लॉयज की रिप्रेजेंटेशन है. और अगर ये हुआ तो एक तरह से आप समझिए, जैसे बता रहे थे हमारे कमांडर राउत साहब, जैसे मुझे बता रहे थे, मैं प्रोफेसर AG अय्यर, आई एम द ऑथर ऑफ अटल शास्त्र, आई एम द बायोग्राफर ऑफ अटल जी, आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ नरसिम्ह सूत्रा, बायोग्राफर ऑफ नरसिम्ह राव. और हमारे एक गुरु थे PSU के, लेट योगेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ NHPC, आई एम द बायोग्राफर ऑफ हाइड्रो गुरु योगेंद्र प्रसाद. तो मैं तीन लोगों का बायोग्राफर हूँ जो मैं इनके लिए बोल रहा हूँ. अब आप यानी किस ध्यान रखिए किस तरफ से आ रहा है ये. और अब प्रसाद साहब तो अटल बिहारी वाजपेयी के 50,000 मेगावाट जो हाइड्रो की कमेटी के वो चीफ थे, तो उन्होंने भी पानी के लिए लड़ाई लड़ी. तो ये सब क्रूसेडर हैं. मेरे को लगता है कि कमांडर राउत साहब भी एक प्रकार के क्रूसेडर हैं, इससे 20 करोड़ लोगों का फ्यूचर में भला होगा जो इस लाइन में आना चाहे, 19-20 करोड़, पर वो 20 करोड़ 20 नहीं है, 80 करोड़ परिवारों का, 80 करोड़ से प्लस परिवारों की मदद हो सकती है. तो इसका जो इंटेंसिटी है जो इनके अधिवेशन की और जो इसकी डिमांड की, इसको समझा जाए. ये कॉमनर के लिए लड़ाई है, ये किसी पक्ष के लिए लड़ाई नहीं है, भारत के कॉमनर के लिए लड़ाई है. ये अगर किसी को एम्प्लॉई और उसकी वेलफेयर देखनी है, यूनियन बाजी से काम नहीं होगा.
उनकी फ्यूचर को सिक्योर करने से काम होगा। और ये फ्यूचर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और सब कुछ जायज बात कर रहे हैं, मेरी भी प्रार्थना इसके थ्रू होगी कि किसी भी प्रकार की इनको मदद मिलनी चाहिए, जिससे कि ये एक काम हो जाए जिससे देश का लंबी चौड़े रूप से भला हो। क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं उनके एम्प्लॉयमेंट होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद अगर उनका पेंशन नहीं मिलेगा, फ्यूचर नहीं होगा, जिन्होंने खुद अपने पेंशन के लिए ऑफ किया है, कम से कम उनके लिए, हम लोगों ने तो पेंशन में ऑफ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया, तो हम तो जो कुआ खोदो पानी पियो करेंगे। पर मेरी इन लोगों को सपोर्ट है जिन्होंने उसमें जाके अपनी पूंजी को सेविंग्स में डाला और आज रिटर्न मांग रहे हैं, केवल अपने हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग। इसके साथ कमांडर राउत साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, आई कुड गो ऑन एंड ऑन, बट ये सब आपका जो है, वी विल कंटिन्यू दिस, इट विल नॉट बी द एंड। हम जो मदद हमसे हो सकती है, जो हम लोगों से आपकी सपोर्ट हो सकती है, करेंगे। और मेरी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश है इस इंटरव्यू के थ्रू कि इन लोगों की बात आप ही ने इनका डायरेक्शन दिया हुआ है, आप ही की मदद हुई पड़ी है, पर इसको इसका अमली जामा पहनाइएगा। काइंडली टेक इट टू द फाइनल कंक्लूजन विद दैट प्रेयर। आई से जय हिंद टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज प्रोफेसर ए जी आयर विद कमांडर राउत टुगेदर हियर ऑन द ईपीएस 95 इश्यूज। थैंक यू वंस अगेन ऑन माय इंफ्रास्ट्रक्चर। नमस्कार, जय हिंद।